तो सलाम सत श्रीकाल आदाब कैसन बानिया। दरअसल आज के प्राइम टाइम देखे ला रहा सभी चालू कर देवा नहीं तो आज के प्राइम टाइम में हुई खास खास वाली खबर और कितना फिल्म लोग के कितना कमाल कमाल के शूट चल रहा बा ओकरा बारे में हुई पूरा डिटेल्स में बात। तो चलिए फटाफट ही प्राइम देखे से पहले वो काम करी चैनल अपना बने सब्सक्राइब कर जाएंगे बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं बाकी संगे मित्र और दौर दयाल संग भी शेयर कर दे। चलिए मेरे वीडियो को चालू कर दिया जा आज वाला। दरअसल आज देखी तो बहुत ही कमाल के एगो फिल्म बोल तो अर्धनारी के सेट से कुछ कमाल और यूनिक्स वाला फोटो आएल बा। दरअसल अवधेश मिश्रा के जो रोल बाटे और जोना रोल में वो दिखाई दे रहा वो सच में यूनिक्स और नयाब बाटे। दरअसल ये फिल्म अपना आप में एगो कमाल से होल भी है। और बात करी हम यश कुमार के तो यश कुमार के फिल्म आजकल सब्जेक्ट पर ही होत बटे सब्जेक्ट से थोड़ा भी इधर उधर नहीं खे वक्त तो फाइनली एक कमाल के फिल्म होल भी जोना के देख के बहुत ज़्यादा मजा आल बा। दरअसल फोटो ही लोगन के बीच में इतना एक्साइटमेंट बढ़ा दिला बटे कि ये फिल्म देखेला दर्शक जरूर व्याकुल हो जी। आज जरूर ये फिल्म अगर थिएटर तक आई तो लोग बम्फर अंदाज में देखे विजय। तो फाइनली ये फिल्म का भी शूटिंग 2 या 3 दिन चालू भइल बटे और कमाल का भी सीन सामने निकल के आ रहा बा फोटो के माध्यम से। अब हमने के बात कर ली अगला फिल्म बोले तो अगला खबर बटे फिल्म हमके दिशा मिल गई। दरअसल हमके दिशा मिल गई इकाल बोले तो 29 तारीख के ही अनाउंसमेंट रहे कि ये फिल्म के ट्रेलर शाम के रिलीज कर जाए लेकिन अभी तक ये फिल्म के ट्रेलर नहीं खेल। यानी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हमारे वहाँ लोगों से पहले ही कहूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के मेकर्स लोग या भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार लोग जो अपना आपके स्टार बोल तटे मतलब वहाँ लोग के तनिक भी इज्जत नहीं खे। सही बताओ तनिक तनिक भी इज्जत नहीं खे मतलब यहाँ लोग के फिल्म आ जाला फिल्म के ट्रेलर आ जाला फिल्म के ट्रेलर के नाम के अनाउंसमेंट हो जाला और वो फिल्म सामने ना पवेला तो दुख तो होत हो दुख होत हो कि ना। हमारे यही चलते ए धमके दिशा मिल गोल के रिपोर्टिंग कल हमारा डिलीट करे के पड़ गए ना तो हम अपलोड कैले रहते। तो फाइनली अजीब बटे गजीब बटे ए तरह के कैसे हो हमके सोच के भी कुछ अजीब लगता। दरअसल हमके दिशा मिल गोल के जबकि स्टारन में प्रवेश लाल यादव बढ़ लेकिन फिर भी उनका कोनो अपडेट और ना ही कोनो जानकारी बटे और ना ही वो फिर भी अपना तरफ से अपन फैंस या अपन दर्शकों लोग के कुछ भी अपडेट नहीं कहते। चलिए अब हमने के अगला खबर तरफ बजे अगला खबर और सेट साइल व फोटो फसल फिल्म से। फसल फिल्म के भी बहुत यूनिक्स और नया नया फोटो आ रहा बटे मतलब ई भी फिल्म मतलब भोजपुरी इंडस्ट्रीज के खास फिल्मन में से एगो होखे वाली भी है। अब देखे कि बटे कि अब इस साल तो लगभग फिल्म रिलीज हुई ना उस साल में रिलीज हुई जैसे ही चुनाव आई ठीक वही समय इस फिल्म के रिलीज कैल। सही बता रहा मैं ठीक वही समय ये फिल्म के फिल्म रिलीज कर ली और बतावल ली कि कैसे किसान खुश बढ़न जा खुशहाल बढ़न जा एकदम से मस्त बढ़न जा जहाँ तक ये हमार व्यू पॉइंट बता रहा बा। काहे कि ये फिल्म के शूट से जौन हिसाब से फोटो आ रहा बा समझ में आ रहा बा आदमी देख भी जा रहा बैठे काहे कि जे तरह की एगो नेता फुल अभिनेता के मूड में आजकल मतलब गांव गांव में जाके या जहाँ जहाँ सभा रहते या प्रचार करते हैं वही तरह एगो अभिनेता भी फुल नेता के मूड में रहता जा एनी टाइम। सही बता दें कि कहाँ से कैसे हमार प्रोपेगेंडा लोगन तक पहुँच जाए एकदम फुल मूड में रहता जा नेता वाला। तो नेता के काम अभिनेता ले लेबा अभिनेता के काम नेता ले लेबा अब देख बा आखिर हो गया। तो चलिए अब हमने के अगला खबर के रवल जी ऊ बटे परवेश लाल यादव की फिल्म और दिनेश लाल यादव की फिल्म घूंघट में घोटाला 2। एक्चुअली घूंघट में घोटाला 2 एगो हॉरर मूवी भी है जो ना में भूत सूत के ढेर सारा कॉम्बिनेशन और एकदम से कमाल के फिल्म भी है। दरअसल ये फिल्म आज से बोले तो आज 30 तारीख से बिहार और झारखंड के नज़दीकी सिनेमा घर में ये फिल्म रिलीज होके जा रहा है। तो रहा सब बिहार और झारखंड के बारे तो ये फिल्म के देखी और करी खूबो खूब इंजॉय काहे कि ये फिल्म एकदम से कमाल की भैया। अगर देखी तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जौन भी भूत वाली फिल्म बनल हुई लगभग लगभग अब तक के ओकरा से कई गुना तगड़ा एकर मेकिंग बटे ट्रेलर में वो दिखाई दे रहा बटे और फाइनली फिल्म पूरा देखला के बाद मालूम चले कि का सच में तगड़ा वाला मेकिंग बटे या खाली मतलब ना कह रहा खोदा पहाड़ निकले चूहिया वाली बात भी है। वो तो थिएटर में जब फिल्म आदमी देखी तबे अंदाजा लगा सकेल। तो फाइनली ये फिल्म बहुत ही कमाल के भी आया देखला के बाद कॉमेडी भी फील आई दर्द भी फील आई दुख भी फील आई और डर भी आई। तो
तो कमाल के सुंदर वाली फिल्म के रवाना जरूर देखी, जो फिल्म का नाम बा घूंघट में घोटाला। तो चलिए अब हमने के अगला खबर त्रवल जी ऊ बाटे खबर प्रमोद प्रेमी के फिल्म से। हाँ प्रमोद प्रेमी ए दिनों आजकल एगो फिल्म कर रहा बड़ा, फिल्म के नाम बाटे लव ने बना दी जोड़ी। हाँ वो शाहरुख खान वाली फिल्म ना भैया, वो तो रब ने बना दी जोड़ी रहे, ये लव ने बना दी जोड़ी। मतलब अब जोड़ी तो भैया लव हुई तो बनबे करी, इसमें लॉजिक बाट का मतलब यही कह जाना हिपोक्रेसी के भी कोनो सीमा होला, लोगन के भरमौलों के कोनो सीमा होला, लेकिन तो हम लोग जानते हुए फिर भी भरमाओ पड़ जा। मतलब मोदी जी के डायलॉग का वाला कम नहीं कहे, झूठ बोलो झूठ बोलो, मतलब गजब के हाल बटे गजब के हाल बटे। मतलब फिल्म के नाम इतना लॉजिकल बटे कि सुन के भी मन में अजीब और गजीब सवाल आता। अगर ये खाली फिल्म देखे जाहूँ के मन करते रही ना तो लोग कहें कि यार रहे ना दे फिल्म, दूसरा दिन कौन दूसरा फिल्म देख लिया। तो फाइनली ये फिल्म के सेट से कुछ फोटो आयल बाद जो ना मैं देख रहा हूँ प्रमोद प्रेमी कैसे खपड़ाई लगे घर में आ बैग वग लेके जाए के तैयारी करते रहन कहीं और ही, और काफ़ी खूबसूरत लाग भी रहा वाला तस्वीर में। फाइनली सचिन यादव ये फिल्म के डायरेक्ट कर रहा। अब सचिन यादव की डायरेक्शन वाली फिल्म कितना सुंदर और कितना कमाल के निकल के सामने आई, अब वो तो भाई प्रमोद प्रेमी ही और प्रमोद प्रेमी के दर्शक ही जान पाई है। फाइनली अभी कुछ भी कल ठीक नहीं लगा। तो चलिए अब हमने के अगला खबर की बात कर ली, अगला खबर बाटे एगो फिल्म, फिल्म के नाम बा हमके दुल्हा चाहिए यूपी वाला। अरे तो हम यूपी के हैं भैया, सही बताओ तो नहीं हो भाई। डायरेक्टर साहब एगो हवन जितेंद्र गुप्ता, वो फिल्म उनकर भाई गजब के बनल बटे, फिल्म के नाम बा हमके दुल्हा चाहिए यूपी वाला। मतलब ट्रेलर एकर आज रिलीज भैया, ये फिल्म के ट्रेलर हम पूरा अगर देख लेम ना, जैसे अगर फिल्म के ट्रेलर हम पूरा देख लें तो कहीं भी फील ना आए कि इनका के दुल्हा मतलब यूपी वाला चाहे, कहीं भी फील ना आए। और अंत में हीरोइन एक जानी बाड़ी वो एकदम से डायलॉग मार रहा बड़ी, हमको दुल्हा चाहिए यूपी वाला यूपी वाला यूपी वाला, तो हम माने ना यूपी के। मतलब गजब के विडम्बना वाला फिल्म बा, ये फिल्म के बारे में जितना बतियावली उतना कम बा। काहे कि फिल्म में देखी तो हमारा बताया कि बहुत दिन पहले की शूट कैल फिल्म है, अगर बहुत दिन पहले के शूट कैल ना होखी तो ये और भी बकवासगिरी ये फिल्म खातिर बटे। काहे कि फिल्म से कुछ भी रोमा लोग ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना ही फिल्म रोमा लोग अच्छा लगी, ना गाना अच्छा लगी, ना डायलॉग्स अच्छा लगी, ना बोले गए बोल लगी, ना चाल अच्छा लगी, मतलब ना मेकिंग अच्छा लगी, मतलब कुछ भी एक बारे में जितना बतियावल जो कम उतने फिल्म के बारे में भी फायदा रहे और हमनियों के फायदा रहा। तो फाइनली एगो बकवास नाम के फिल्म के ट्रेलर रिलीज भैल बड़, जो फिल्म के नाम हमके दुल्हा चाहिए यूपी वाला, जो लोग डायरेक्ट कैल बड़न जितेंद्र गुप्ता, और एमें स्टार कास्ट में बड़न बबलू संदीप निषाद ज्योति मिश्रा, एमें बाड़न जाए स्टार कास्ट। अब बात कैल जी हमने के दीपक दिलदार के बारे में, दीपक दिलदार ए घड़ी अभी फिलहाल में उनकर शूट चलत अटे जी झारखंड के कार्यक्रम के लेके, मतलब हाँ छठ के ऊपर टीवी चैनल लोग लो कार्यक्रम कर लन जा, तो जी झारखंड पर उनकर एगो छठ प्रोग्राम के पूरा कार्यक्रम के शूट चल रहा बा, और काफ़ी खूबसूरत और कमाल के दिख भी रहा बड़ो। तब छठ के में कितना कमाल और कितना यूनिक्स वाला वो गाना गावत है तो जब जी झारखंड रहो वाला चाहम तो छठ के एक दिन पहले शायद ही रिलीज हुई लगा के करा के देख सकत नहीं जा। तो फाइनली अब हमने के बात कैल जी आज के क्रिकेट के बारे में, भैया जब जो काल क्रिकेट भवे एकदम कमाल के भवे। दरअसल पहले मैच भवे वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच, वेस्ट इंडीज पहले ही बैटिंग करते वक्त बनाते हुए 142 रन 7 विकेट पर 20 ओवर। अब वो जगह बांग्लादेश के जब चुनौती मिलवे कि 143 रन बनावे के बटे, तो बांग्लादेश जब खेले चालू करुए तो एकदम खेलत खेलत पहुँच गए 139 रन पर 5 विकेट में। अब महज 3 रन से इस मैच के हार गए बांग्लादेश, दुख तो बहुत भैलो कि बांग्लादेश के फैंस लोग दुख उनकर टीम के भी भैलो कि पास मैच भवे राति खाना पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली मैच में। अफगानिस्तान टॉस जीत के कहबे कि भैया हम बैटिंग करो बिना डर के खूब रन मार, बैटिंग उनकर के मिल गए और बैटिंग करत करत एकदम से गर्दा भी कर देवन 147 रन बना दीवन 6 विकेट अपन गिरा के 20 ओवर में। वही जब पाकिस्तान के बैटिंग करे के बारी हुए तो पाकिस्तान एक तरफ से मतलब बहुत ही अच्छा बैटिंग करत करत जाके बीच में एकदम से लड़खड़ा गए। अब 3 ओवर में 26 रन मारे के रह हुए लेकिन 17वां ओवर में महज 2 रन गो हुए और एगो विकेट गोवे। अब हो गए 12 गेना में 24 रन मारे के। अब मराई तो कैसे मराई,
थोड़ा सा अजीब से सस्पेंस होते हुए, लेकिन एक ही ओवर में 4 छक्का लग हुए और 1 ओवर बाँचियों को हुए और आसानी से पाकिस्तान 5 से 19 ओवर में ही मैच के जीत ले हुए। तो फाइनली और आज होखे वाले भी है मैच श्रीलंका वैसे साउथ अफ्रीका 3:30 से बटे, और बाद से ऑस्ट्रेलिया वैसे इंग्लैंड 7:30 से बटे। तो चलिए ये वाला क्रिकेट के बारे में अब हमने के जाना ली आज के एल्बम को वाला बात। दरअसल आज के एल्बम के खास गाना बटे खेसारी लाल के एगो फिल्म राजा की आएगी बारात फिल्म से एगो गाना रिलीज भेल बटे। गाना बहुत ही कमाल के बटे, बुताई दो आग, हाँ मतलब कैसे केहू के जवानी में आग लागल बटे, तो खेसारी लाल टुल्लू पंप लेके थोड़े ना पहुँची इनके बुताई दया। फाइनली गाना अजीब बटे गजी बटे, तो हम गजी बंदाज बताइयो दे देन भाई, बुताई दा आज जवानी के अब इनकर जवानी में कौन आग लागल बा कैसे बूती और लोग बढ़िया समझ तनी। तो चलिए हमने के अब अगला गाना की तरफ बात कर ली, ऊ बटे गाना प्रमोद प्रेमी के, हाँ छठ माई के गाना बटे कमाल के बटे कि एगो पत्नी अपन पति से कहत रही कि मैं चीज ले अलो हड़बड़ी में गड़बड़ी में आ नींबू जा भुला गुल, मतलब तू गजीबे बड़ा। तो फाइनली कैसे नींबू भुला गुल बड़न और कह रहा ये गाना डी मतलब अगर मतलब दूगो पति पत्नी वाला शब्द रहे तो बहुत बढ़िया लगे, लेकिन प्रमोद प्रेमी एक ही अंदाज में पेल रहा बड़न ये बहुत दिक्कत वाली बात भी कम मतलब थोड़ा सा भी मजा नहीं खेव। तो फाइनली प्रमोद प्रेमी के लॉजिके कुछ और ये का हम कहीं कहे जोग न बाय गड़गौरा वाली बात है। अब अगला गाना बाटे चंदन चंचल के, चंदन चंचल के गाना बहुत ठीक लगता और अच्छा अंदाज में अच्छा लय में गैले भी बढ़ गाना के बोल बटे उगो हो सूरज देव, हाँ अर्घ वाला गाना बा काफ़ी प्यारा और काफ़ी सुंदर बटे, वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगता देख के मजा भी आवत बटे। हाँ ओकरा बाद से अगला वाला गाना बाटे खेसारी लाल और शिल्पी राज के, हाँ अगला गाना बाटे खेसारी लाल शिल्पी राज के जो ना गाना में उनकर पत्नी कहत रही कि बुचिया के बुचिया खातिर छठ कोई, मतलब पति कहत रहन कि अरे अगला साल तो खुद तू मतलब कठिन व्रत कह के वगैरह वगैरह कह के बबुआ ले लिहलू अब का चाहत रू, तो कहत रही कि यह साल बुचिया खातिर छठ हुई, हाँ मतलब लड़की खातिर यह साल छठ हुई। तो फाइनली बबुआ बुचिया वाला ये गाना बाटे ऐसे ठीक तो नहीं खेलागत लेकिन फिर भी का कह जाए लॉजिकल तो लॉजिकल हो। तो चलिए फाइनली आज के प्राइम टाइम में बस बा इतना ही रहो सब देखत रही, हाँ आप बताओ तनिक प्राइम टाइम रोजाना 7:30 आवल करी, सही बताओ तनि भाई रोजाना 7:30 आवल करी, ऐसे कि कुछ मतलब समय और डिफरेंट के लेते हुए एक 7:30 अब ऑफिशियल कर दे बा ते लिए रोजाना 7:30। तो चलिए देखत रही निज तक भोजपुरी बाकी राम जी।